अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, अ कंपनी प्रोड्यूस अ सर्टेन टाइप ऑफ आइटम्स इन इट्स टू डिफरेंट फैक्ट्रीज A1 एंड A2। यानी कि कोई कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है दो कंपनी में, A1 में और A2 में, इन द प्रपोर्शन कितना हो रहा है, A1 में 60% प्रोडक्शन हो रहा है, जो A2 है उसमें 40% प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस टू फैक्टरीज, यानी कि जो ए है उसमें से डिफेक्टिव कितना निकल रहा है, तो कि 2%, और जो A2 है उसमें से डिफेक्टिव कितना निकल रहा है, तो कि 3%। क्लियर? यानी कि फैक्ट्री A1 में प्रोडक्शन हो रहा है 60%, उसमें डिफेक्टिव निकल रहा है 2%, यहाँ पे है 40% प्रोडक्शन और डिफेक्टिव निकल रहा है 3%। वन ऑफ द आइटम्स इज रैंडमली सिलेक्टेड आफ्टर मिक्सिंग द आइटम्स प्रोड्यूस इन द टू फैक्टरीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस आइटम इज डिफेक्टिव। अब गाइस, हमें इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट करना है, और वो भी कैसे, ये दोनों का प्रोडक्शन हो जाए, फिर सबको मिक्स कर देंगे, और फिर उसमें से हमें क्या करना है, वन आइटम इज रैंडमली सिलेक्टेड आफ्टर मिक्सिंग द आइटम्स ऑफ प्रोड्यूस इन द टू फैक्टरीज, दोनों फैक्ट्री की प्रोडक्शन को कंबाइन करेंगे और फिर उसमें से रैंडमली एक ही हमें आइटम को सिलेक्ट करना है, और वो प्रोबेबिलिटी भी कैसा होना चाहिए, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस आइटम इज डिफेक्टिव, और हमें ये फाइंड करना है कि ये आइटम जो है वो डिफेक्टिव होना चाहिए, जो वन आइटम सिलेक्ट करेंगे वो। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पहले तो इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। क्लियर? अब देखो गाइस, सिंपल रूल, जब तक प्रोडक्शन होगा नहीं तब तक उसमें से कुछ यूनिट डिफेक्टिव है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। क्लियर? इट मींस कि प्रोडक्शन होगा तो डिफेक्टिव है कि नहीं है ये पता चलेगा। क्लियर? यानी कि इफ एल्स वाला कंडीशन आ गया, प्रोडक्शन होगा तो पता चलेगा कि डिफेक्टिव है कि नहीं है। इट मींस कि ये जो डिफेक्टिव है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो कि प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लियर? अब पहले जितना इन्फॉर्मेशन दिया ना उसको हम लोग इवेंट वाइज बाइफिकेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिपेंड कर देते हैं कि पी ऑफ A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60% है, नॉर्मली लिखेंगे तो 60/100। क्लियर? फिर है पी ऑफ A2 40% है, नॉर्मली लिखेंगे तो 40/100। फिर है डिफेक्टिव आइटम A1 फैक्टरी में से, यानी कि डिफेक्टिव उसको हम लोग देते हैं D1 एंड D2। क्लियर? D1 जब तक A1 का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। इट मींस कि वो क्या होगा, D1 डिपेंड्स ऑन A1, यानी कि हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं कि P ऑफ D1 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि D1 A1 के ऊपर डिपेंड्स है, और उसका कितना पोर्शन है, तो कि 2%, तो ये कितना हो जाएगा, 2/100। क्लियर? सेम एज इट इज फॉर D2, जब तक A2 का प्रोडक्शन नहीं होगा D2 नहीं मिलेगा। इट मींस कि इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो कि D2 डिवाइडेड बाय A2, और जिसका पोर्शन है 3%, तो 3/100। क्लियर? क्वेश्चन में इतना हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस आइटम इज डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इट मींस ऐसा होगा, डिफेक्टिव आइटम निकल सकता है A1 के साथ, यानी कि फैक्ट्री A1 एंड उसका डिफेक्टिव, या तो फिर फैक्ट्री A2 एंड उसका डिफेक्टिव। क्लियर? ये फैक्ट्री हम लोगों ने क्यों इसके साथ कंबाइन की, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा डिफेक्टिव नहीं मिलेगा। क्लियर? इट मींस कि हमें क्या फाइंड करना है, तो कि A1 एंड D1। क्लियर? और साथ में क्या फाइंड करना है, और A2 एंड D2। क्लियर? यानी कि हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, फैक्ट्री A1 एंड उसका डिफेक्टिव, फैक्ट्री A2 एंड उसका डिफेक्टिव। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है, तो उसका फॉर्मूला इंटरसेक्शन के लिए गाइस क्या होगा, तो कि पी ऑफ A1 इंटू पी ऑफ D1 बाई A1। क्लियर? यहाँ पे बीच में साइन और का है तो आएगा प्लस, फिर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम डिपेंडेंट और इंटरसेक्शन, पी ऑफ A2 इंटू पी ऑफ D2 डिवाइडेड बाई A2। क्लियर? अब देखिए इसके वैल्यूज हमें पुट करने हैं। अब सबके वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, A1 हमारा कितना है 60/100, D1 बाई A1 हमारा कितना है 2/100। क्लियर? फिर करना है प्लस, A2 हमारा 40/100, एंड फिर
डी टू बाई ए टू हमारा है 3/100 इंटू 3/100, क्लियर। अब इसका सोल्यूशन लाते हैं, ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 120 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 120 डिवाइडेड बाई 10,000। एलसीएम तो हमें लेना नहीं पड़ेगा, कितना होगा 10,000। और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 240, इट मीन्स कि 224 डिवाइडेड बाय 1000। इसको अगर आप और स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लियर गाइज, ये खास हमें ध्यान देना है कि क्या इवेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया ना उसके ऊपर ज़्यादा हमारा जो वेटेज है वो रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32, देर आर 12 स्क्रू इन अ बॉक्स, यानी कि हमारे पास बॉक्स के अंदर टोटल 12 स्क्रू अवेलेबल है, विच 4 स्क्रू आर डिफेक्टिव, उसमें से जो 4 है वो कैसे है तो कि डिफेक्टिव है, तो बाकी के जो 8 है वो कैसे होंगे गाइज, नॉन डिफेक्टिव होंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो कि 2 स्क्रू आर रैंडमली सिलेक्टेड 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। गाइज, विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी वर्ड आपके पास आता है तो इसका मतलब डिपेंडेंट इवेंट ही होगा एंड ये कंपलसरी है। क्लियर, अब ये क्यों डिपेंडेंट होता है, तो देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब गाइज क्या होता है कि अगर आप कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो, उसको सेकेंड एलिमेंट जब भी सिलेक्ट करेंगे तब उसमें वापस नहीं रखेंगे, क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कितने स्क्रू है, टोटल 12, हमें लेने हैं 2। क्लियर, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेंगे फिर उसको साइड में रख देंगे। अब हमारे पास कितने बचे, 11, अब हमें क्या करना है, तो कि 11 में से एक को सिलेक्ट करना है फिर उसको ले लेना है। क्लियर, इट मीन्स कि विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट इवेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पहले सबके पास कितने चांस थे सिलेक्ट होने के लिए, सबके पास सेम इक्वल चांस थे 12। क्लियर, अब एक चला गया है तो सब बाकी के जो बचे हुए हैं उसका एक चांस कैसा हो गया है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कम हो गया है, तो इसीलिए ये इवेंट कैसा हो जाता है, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा डिपेंडेंट इवेंट। क्लियर, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्रू सिलेक्टेड आर डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट हो वैसा फाइंड करना है, यानी कि हमें 2 स्क्रू सिलेक्ट करना है तो बारी बारी से करने पड़ेंगे, दोनों साथ में नहीं करेंगे विदाउट है, तो पहले एक करेंगे फिर दूसरा करेंगे। क्लियर, इट मीन्स कि जो हम लोग फर्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट स्क्रू को, तो उसको हम लोग सपोज करते हैं ए, और जो सेकेंड स्क्रू को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना उसको हम लोग सपोज करते हैं बी। तो अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करना है, पहला स्क्रू सिलेक्ट होगा एंड दूसरा स्क्रू सिलेक्ट होगा, और ये सब कैसे होंगे, डिफेक्टिव। क्लियर, भले ही डिफेक्टिव है, पहला एंड दूसरा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी का, जिसका डिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। क्लियर, अब फाइंड करना है इसके लिए पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए गाइस कैसे फाइंड हो सकता है, तो कि पी ऑफ ए का मतलब है हमें पहला स्क्रू सेलेक्ट करना है 12 में से। क्लियर, यानी कि एम अपॉन एन, एम हमारा कितना होगा, तो कि हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए, फेवरेबल आउटकम हमें कहाँ से मिलेंगे, तो कि 4 डिफेक्टिव में भी से मिलेंगे, क्योंकि हमें डिफेक्टिव आइटम को सिलेक्ट करना है। क्लियर, इट मीन्स कि ये 4 में से हम लोग कोई एक को सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4C1 डिवाइडेड बाय, एट दैट टाइम हमारे पास टोटल स्क्रू कितने थे 12, तो ये कितना हो जाएगा 12C1, इट मीन्स कि इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/12। क्लियर, पी ऑफ ए 4/12 इंटू, अब हमें फाइंड करना है पी ऑफ बी बाई ए, इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो बी यानी कि सेकेंड स्क्रू जो सिलेक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि ए के ऊपर। क्लियर, इतना समझ में आया। और ये एक बात और खास ध्यान देनी है कि हम लोगों ने यहाँ से एक स्क्रू पहले को निकाल लिया है, तो अब जब भी हम लोग पी ऑफ बी बाई ए फाइंड करेंगे तो एम अपॉन एन, अब ये 4 में से तो हम लोगों ने एक को ले लिया है, क्लियर, और विदाउट है तो हम क्या करेंगे, उसमें वो वापस नहीं रखेंगे, उसको क्या करेंगे, साइड कर देंगे, तो 4 में से एक चला गया, तो अब हमारे पास कितने बचे हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 3C1 डिवाइडेड बाय, टोटल पहले 12 थे जिसमें से एक चला गया है, तो अब टोटल हमारे पास कितना होगा 11, तो 11C1, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/11।
11, क्लियर। यहाँ पे रख देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 11। अब देखो 4 इंटू 3, ये 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, हमारे पास बचेगा कितना, तो कि 1 डिवाइडेड बाय 11, क्लियर गाइस।